सुप्रभात साथियों, नमस्कार। ये देखिए मेरे पीछे एक सरोवर है, इसका नाम है सिद्ध सरोवर और ये गोरखगिरी पर्वत के ऊपर है और इसमें ये करीब नीचे से 2000 फीट ऊंचाई पर है और इस समय देखिए स्विमिंग पूल का काम कर रहा है। इसमें बहुत लोग नहा रहे हैं, आज संडे है इसकी वजह से, और ये काफ़ी गहरा है, करीब 12 फीट गहरा है और इस सिद्ध सरोवर को बनाने में हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी थी। इसमें श्रमदान करके इसको पूरा डेवलप किया गया था आज से 4 वर्ष पहले। आइए दिखाते हैं लोगों की एक्टिविटीज़ क्या हो रहा है, कैसे लोग नहा रहे हैं, कैसे लोग आनंद ले रहे हैं। जाओ, ये देखिए उससे ऊपर से चट्टान से कूदने का आनंद ही कुछ और है। जय हो सिद्ध बाबा की, बोलिए सिद्ध बाबा की। देखिए आनंद लोग ले रहे हैं सिद्ध सरोवर में पूरा। जिनको तैरना नहीं आता है वो सब किनारे हैं, देखिए। तो क्योंकि ये जो पठार है वो धीरे धीरे आता है, स्लोप है, और फिर आगे गहरा होता जाता है और जो लोग नहीं तैर सकते हैं वो बैठे हुए हैं ऊपर। और ये सिद्ध बाबा पर क्षेत्र है पूरा। ये देखिए झंडे लगे हैं, चारों तरफ का व्यू आपको दिखाए हम। ये देखिए एक शंकर जी बने हैं ऊपर चट्टान पर और यहाँ पर सभी जगह ओम ओम लिखा हुआ है। आइए इस तरफ दिखाएं आपको, सिद्ध बाबा को भी के भी दर्शन कर लीजिए। ये देखिए सिद्ध बाबा पर क्षेत्र। बहुत ही शानदार पानी है, जड़ी बूटियों वाला। जय हो सिद्ध बाबा की। जड़ी बूटियों वाला पानी है, बहुत ही शानदार पानी है। कहते हैं इसमें नहाने से लोगों को कोई स्किन डिसीज यदि हो तो वो दूर हो जाती है, त्वचा रोग दूर हो जाते हैं। बहुत ही देखिए चारों तरफ हरियाली है इसकी और बहुत ही बड़ा सिद्ध सरोवर है। इस सिद्ध सरोवर में हम लोगों ने 62 दिन श्रमदान किया था, आपको बता दें। और 62 दिन जब श्रमदान हुआ था तो उसमें पूरा महोबा शहर जुटा था, जिलाधिकारी से लेके नगरपालिका प्रशासन तक सभी लोगों ने इसमें योगदान दिया था। तो ये एक बहुत बड़ा अभियान था जो हम लोगों ने 2016 में किया था। उसके बाद फिर हर वर्ष होता है थोड़ा बहुत खुदाई और इस बार भी हुई है। बारिश में ये भर जाती है और ये फिर इसमें पानी होली तक चलता है। होली के बाद इसमें पानी कम होने लगता है और अब इसका सौंदर्यीकरण होना है। देखिए पट्टी बनी है, अब इधर पूरे में घाट बनना है और इसका पूरा इधर पूरा अभी कच्चा है, पूरा घाट होना है और इसमें थोड़ा सा रिसाव भी है, वो रिसाव ताकि बंद हो जाए तो पानी और ज़्यादा रहेगा। बहुत ही सुंदर खूबसूरत सरोवर। जय भोलेनाथ, जय हो सिद्ध बाबा की, ओम नमः शिवाय। ये सिद्ध सरोवर संगता माता के बगल में है और यहाँ पर लोग तैरना भी सीख रहे हैं। जिनको तैरना नहीं आता है वो ट्यूब लेके आते हैं। आइए इसका और व्यू दिखाएं आपको। ये संगता माता के बगल में है, इधर से देखिए पूरा बहुत ही शानदार सरोवर है। ये पहाड़ के ऊपर सरोवर होना वैसे भी एक बहुत ही आकर्षण का केंद्र बन जाता है। ये देखिए ट्यूब भी लिए हैं बच्चे, ये ट्यूब डाल के तैर रहे हैं, इनको इसका मतलब तैरना नहीं आता है। तो ये यहाँ बहुत लोग तैरना सीख जाते हैं। ये महोबा का स्विमिंग पूल है, इसको हम लोगों ने नाम लिया है महोबा का स्विमिंग पूल। बहुत ही खूबसूरत स्थान है,
बहुत ही शानदार जगह है ये देखिए, और आज मौसम भी अच्छा है, अद्भुत आनंद। जय हो भोलेनाथ, जय हो सिद्ध बाबा की, जय हो गोरागिरी। क्या हुआ, हमने नहाया नहीं? आपने भी तो नहीं नहाया? नहीं, आपने कल प्रॉमिस किया था कि मैं अपने अंडर गारमेंट लेकर आऊंगा, नहाऊंगा। अब वो इसलिए मैंने नहाया क्योंकि अंडरग्राउंड हो गए। नहीं नहीं, उसकी वजह ये है कि मुझे शैतांडों में भी पूजा करनी थी, फिर बड़ी चंडिका में करनी थी, इसलिए मैं घर से नहा के आया। आपने ही अपनी, हाँ, तो इसलिए कल उद्घोष किया। अब उसको देखेंगे, अभी फिर किसी दिन नहाएंगे। बाकी लोग नहा रहे हैं, ये देखो ये नहाए आए हैं सिद्धि। अच्छा, इस कमेटी का सबसे बड़ा लड़का है। अच्छा, चलो पूजा भी कराए बस। चलो पहनो कपड़े वपड़े, बाकी लोगों के कपड़े डले हुए हैं, लोग आनंद ले रहे हैं। जय हो बाबा। पूरा जीवन हमारा क्या है भैया? अच्छा, नहा के आ गए सिद्ध सरोवर से? जी जी। कितनी देर नहाया आपने? अभी हमने पौन घंटा नहाया, अभी हम फिर और नहाएंगे। क्यों, ऐसा क्यों? अरे बहुत आनंद आ रहा है, और इतने बच्चे हैं तो थोड़ा बच्चे जो तैरना सीख रहे हैं उनको भी थोड़ा देखते हैं। कितना तो आनंद न लो, उनकी कल के लिए भी छोड़ दो कुछ। ये देखो पैंट टेंट पहन के तैयार हो गए हैं। स्नान हो गया ना? अच्छा, कितने लोगों को तैरना सिखा चुके अब तक? अभी तक हमें 10-15 लोग सीख चुके आज इस साल। अच्छा, 10-15 लोगों को सिखा दिया। फ्री ट्रेनिंग, फ्री ट्रेनिंग सीखने वाले। अच्छा, ये आगे देखो नहा के। अच्छा, एक देखो ये अभी ताजे सीख के तैयार हुए हैं महन भाई। इनको पहले तैरना नहीं आता था, यहाँ आके तैरना सीख गए। तुम बेटा क्यों नहीं नहा रही हो? क्यों, डर लग रहा क्या? इनको डर लग रहा है? नहीं, डर लग रहा क्या? फिर सब लोग नहा रहे थे, तुम्हें भी नहा लेना चाहिए था। बेटा आपने अगली बार नहीं देखा? हाँ, काफी बड़ी बड़ी लेडीज आई थी। अरे सब नहाते हैं ना, बिल्कुल सब लोग है बेटा। चलो आज हिम्मत ये बांधेगी, फिर उसके बाद करेंगे। चलो ये देखो, ये भी तैरने के बाद आया है, इसको भूख लगाई है गोलू को। अरे पहले कपड़े वपड़े तो बदल लेते, बाद में जो है खा लेते। अरे छोले की याद आ रही है? ये सब मनीष भाई साहब के चक्कर में बेचारे हमारे बच्चे भूखे चले आए। यह छोला का प्रोग्राम था, उनकी लाइट ऐसी आइए। बहुत ही अच्छा पानी है, बहुत ही साफ पानी है। गोरखगिरी में इस समय बहुत काम हो रहे हैं, करीब उत्तर प्रदेश सरकार सीरियस है, क्योंकि ये गुरु गोरखनाथ की तपोभूमि है और भगवान राम यहाँ आते थे, तो इस जगह का अपना एक अलग महत्व है। सब देखिए नहा रहे हैं, तैर रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही आनंददायक जगह। यहाँ आने पर ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी दुनिया में आ गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आप भी कभी आइए और आनंद लीजिए। आज संडे की वजह से बच्चे आते हैं, क्योंकि और दिनों में स्कूल खुले रहते हैं, तो बहुत लोग आते हैं छोटे। ऐसा सिद्ध, जिस तरह से हमारा ये सिद्ध सरोवर है, ऐसा सरोवर जल्दी आपको मिलेगा नहीं कहीं।